Good afternoon, students. Welcome you in your class, English class. In this class, I will teach you about the chapter of tree huggers. This is the chapter number 10 and it is poem in your book. So, I shall start from the summary of this poem. First of all, I want to tell you about the theme of this poem. सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर इस पोएट की थीम बता देना चाहती हूँ कि जो पोएट है ये किसने जो लिखी है ये पोएम कंपोज की है वो किसने की है टोन माइकल सैंड पाइन मतलब वो यहाँ बताना चाहते हैं कि पेड़ों को हमें अपने सोसाइटी में बचाना है हमारे सोसाइटी में हमारे कॉलोनी में हमारे एनवायरमेंट में हमारे सराउंडिंग्स में जो ट्रीज हैं उनको कट किया जा रहा है इसलिए पोएट जो है ये मैसेज बच्चों तक पहुंचाना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि टुडेज चाइल्ड टुडेज चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ एनवायरमेंट मतलब हमारे जो बच्चे हैं वो क्या है फ्यूचर है भविष्य है किसका एनवायरमेंट का तो टुडेज चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ एनवायरमेंट ऑफ टुमारो मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका आगे चलकर कौन मतलब किसको वहाँ फेस करना है किसको उसके साथ रहना है वो हमारे बच्चों को ही करना है तो पोएट यहाँ पर अपने जो हमारी सोसाइटी में या हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी बच्चे हैं उन सबको मैसेज देना चाहता है कन्वे करना चाहता है बाय द पोएम इन दिस पोएम द पोएट डिस्कस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे एनवायरनमेंट में जो लिविंग रिसोर्सेज हैं उनके बारे में उनके कंजर्वेशन के बारे में उसने डिस्कस किया है इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू सेव ट्रीज इस पोएम के थ्रू द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट वी शुड हैव सेव द ट्रीज इस पोएम के थ्रू जो कवि है वो चाहता है कि हमें पेड़ों को बचाना चाहिए यहाँ पर पोएट चाहता है कि यदि बच्चे जाकर एक एक बच्चा अगर एक एक पेड़ से जाकर हग हो जाएगा मिल जाएगा चिपक जाएगा उससे पेड़ से ट्री से तो हो सकता है वुड कटर उस पेड़ को ना काटे यहाँ की रियाज जो पोएट है उसने रीजन भी दिए हैं इन दिस पोएम द पोएट गिव मैनी रीजन फॉर नॉट टू कट द ट्रीज यहाँ इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने ऐसे बहुत सारे रीजन दिए हैं कि हमें पेड़ों को क्यों नहीं काटना है उन्होंने बच्चों को बताया है कि फ्रूट्स जो हमारे फ्रूट्स हैं फ्लावर्स हैं वुड है और भी जो हमारे नेसेसरी जो हमारी थिंग्स हैं ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें किससे मिलते हैं पेड़ों से मिलते हैं तो आइए लेट्स स्टार्ट द पॉइंट बाय समथिंग ट्रीज हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंस रखते हैं ट्रीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अवर सर्वाइवल एज वेल एज द इकोसिस्टम जो ट्रीज है वो हमारे जीवन के लिए सर्वाइवल मतलब हमें जीवन निर्वाह करने के लिए और इकोसिस्टम दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है विदाउट ट्रीज लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल पेड़ों के बिना जीवन क्या नहीं है संभव नहीं है ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन पेड़ हमें क्या देते हैं ऑक्सीजन देते हैं विच इज नीड टू ब्रीथ जो सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रीज मेक मैन्स लाइफ प्रॉस्पीरियस पेड़ों ने मैन्स लाइफ मतलब आदमी के जीवन को हम वुमेन्स बींग को क्या बना दिया है हमारे जीवन को प्रॉस्पीरियस समृद्धशाली बना दिया है बाय गिविंग फ्रूट्स क्या देकर फ्रूट्स देकर फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स और क्या देकर उसमें पेड़ों से हमें फ्लावर मिलते हैं फ्रूट्स मिलते हैं और सब्जियां मिलती हैं यदि आप बेटा यू थिंक फॉर अ मिनट अगर आप ऐसा सोचें कि हमारे पास फ्रूट्स ना हो वेजिटेबल्स ना हो फ्लावर्स ना हो तो हमारा लाइफ पॉसिबल है नो विदाउट वेजिटेबल एंड विदाउट फ्रूट्स एंड विदाउट फ्लावर्स वी कैन नॉट सर्वाइव हम जीवन निर्वाह नहीं कर सकते अपना वी गेट मेडिसिन इसके साथ साथ हमें पेड़ों से क्या मिलते हैं मेडिसिन आप कहेंगे पेड़ों से कैसे मेडिसिन पेड़ों में क्या लगती है नो बेटा ऐसे ऐसे पेड़ हैं ऐसे ऐसे ट्रीज हैं उनकी लीव से या उनकी मतलब जो उनकी रूट है या किसी ना किसी उनकी जो पार्ट्स होते हैं ट्रीज के उनमें से मेडिसिन बनाई जाती हैं टिम्बर टिम्बर बोलते हैं इमारती लकड़ी को इमारती लकड़ी जो फर्नीचर के लिए काम में आती है टिम्बर
trees also help to prevent soil erosion. यहाँ तक कि पेड़ मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं and they conserve the water और पानी को बचाते हैं. Trees are home for birds and animals. जो trees हैं, जो पेड़ हैं, वो किसका घर है? बहुत सारे पक्षियों और जानवरों का घर है. Trees give shade and proper living sources. पेड़ों से हमें छाया मिलती है और रहने के लिए क्या मिलते हैं? बहुत सारे स्रोत मिलते हैं. Let's start the poem. Now read the poem. Read this poem on saving trees and loving them. Now I shall study the poem line by line. You all open your book and read with me. At the page number 90, poem 10, Tree Huggers. Open your book and read with me. In this box, the poet told us about the evergreen forest and deciduous forest. Evergreen forest वो होते हैं बेटा जहाँ पर हमेशा मतलब हर सीजन में क्या रहती है, हरियाली रहती है और इनके जो लीव्स हैं वो कभी गिरती नहीं है. In deciduous forest, most of trees shed their leaves at a time of the year. लेकिन जो deciduous जो trees होते हैं उनकी जो leaves होती हैं वो एक बार मतलब ईयर में, वन ईयर में एक बार झड़ती हैं, मतलब जैसे पतझड़ का मौसम बोला जाता है उन पेड़ों को deciduous forests में पाया जाता है. फाइंड आउट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट that are in इंडिया. इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है कि भारत में किस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. चिल्ड्रन ऑफ द फ्रेजाइल फॉरेस्ट गैदर अराउंड. यहाँ पर बच्चों को जो पोइट है वो मैसेज कर रहे हैं कि सभी बच्चे आइए. ऑफ द फ्रेजाइल फॉरेस्ट गैदर अराउंड, और नाजुक जंगल को चारों तरफ से घेर लीजिए. वेयर बर्ड सॉन्ग सीम्स टू बी लाउडेस्ट साउंड, जहाँ पर पक्षी बहुत ही ऊंची आवाज में गाते हैं. अ प्लेस कॉल्ड समर ग्रीन एज यू कुड प्लीज, एक ऐसा स्थान जहाँ पर आप किससे ग्रीनरी को देखकर खुश होते हैं, वहाँ गर्मियों में आपको ठंडक मिलती है. एक ऐसे स्थान पर आइए जहाँ पर आपको खुशी का और कूलनेस का अनुभव होता है. अ प्लेस वेयर ऑल प्राउडली हग द ट्रीज, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम सभी गर्व से पेड़ों को अपने गले लगा सकते हैं. हग ट्रीज फॉर द वॉलनट्स एंड स्वीट एप्पल्स. अब यहाँ पर जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, वो बता रहे हैं रीज़न कि हमें पेड़ों को अपने गले क्यों लगाना है, पेड़ों को क्यों बचाना है. कटिंग हो रही है ना पेड़ों की, तो उस कटिंग से पेड़ों को नष्ट होने से, डिस्ट्रॉय होने से, जंगल जो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं दिन पर दिन, तो उन सब चीज़ों को हमें क्यों रोकना है? क्योंकि पेड़ों से हमें क्या मिलते हैं? वॉलनट्स मिलते हैं, स्वीट एप्पल्स मिलते हैं. वॉलनट्स बोलते हैं बेटा किसको? अखरोट को. फॉर द सैड एबव स्मॉल कंट्री चैपल्स, और हमें यहाँ पर छाया मिलती है, और चैपल्स बोलेंगे यहाँ पर जो छोटे देश चंपल करके बोलते हैं ना, उसके लिए, छाया के लिए. हमें पेड़ों से छाया मिलती है, अखरोट मिलते हैं, एप्पल मिलते हैं, और सो मैनी फ्रूट्स वी गेट फ्रॉम द ट्रीज, बहुत सारे फ्रूट्स हमें पेड़ों से मिलते हैं. फॉर गिविंग स्क्वेरल एंड क्रॉ प्लेस टू लिव, यहाँ तक कि यहाँ पर जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि पेड़ों पर गिलहरियों का और किसका, कौओं का घर होता है. फॉर द प्राइसलेस गिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन दे गिव, और बिना किसी पैसों के, प्राइसलेस होता है जिसकी कोई कीमत नहीं है. विदाउट मनी पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं. किसके लिए? सांस लेने के लिए, जीने के लिए. फॉलो योर फीट अक्रॉस अ वुडलैंड फ्लोर, अब यहाँ पर जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, वो कह रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकलिए. सभी बच्चे जो हैं वो गैदर होकर, इकट्ठा होकर सभी अपने घर से बाहर निकलें और मुझे फॉलो करें. बीनीथ द टॉल एंड एंशिएंट साइमोर,
यहाँ पर जो पोइट है वो कह रहे हैं सभी बच्चे एक साथ गैदर होकर घर से बाहर निकलें और मुझे फॉलो करें, कहाँ पर? गूलर के पेड़, जो लंबा गूलर का पेड़ है ना उसके नीचे, साइमोर जो पेड़ होता है बेटा वो उसको गूलर का पेड़ बोलते हैं। अंडर रेडवुड, अंडर टॉल ब्लू पाइन, कहाँ? रेडवुड के नीचे और ब्लू पाइन के नीचे। कम विद मी एंड फॉर्म एन एंडलेस लाइन, आओ मेरे साथ आओ और एक ऐसी लाइन बनाओ, एक ऐसी चेन बनाओ जो कभी ख़त्म ही ना हो। जॉइन द बॉय हुज नेम इज सिंपली मी, मतलब एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा चाइल्ड भी इस लाइन को ज्वाइन कर सकता है जो बिल्कुल सिंपल है, साधारण है, जिसका क्या नहीं है, लोग उसकी कोई वैल्यू नहीं समझ रहे सोसाइटी में, लेकिन वो बच्चा भी हमारे लिए क्या रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है और इस लाइन को ज्वाइन कर सकता है। सिंपलिसिटी से मतलब यहाँ बेटा सिंपली से मीन्स हम यहाँ निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का कोई बाउंडेशन नहीं है, ये लाइन सभी बच्चों को क्या करनी है, फॉलो करनी है। टेक योर टर्न एंड हग अ माइटी ट्री, अपनी अपनी बारी लीजिए, मतलब टर्न लीजिए और किसे गले लग जाइए, पेड़ से गले, शक्तिशाली पेड़ से गले लग जाइए। अ विश वी कास्ट अपॉन एन ऑगस्ट ब्रीज, अ ड्रीम टू क्रॉस द सेवन सेक्रेड सीज, अ ड्रीम टू क्रॉस द सेवन स्केर्ड सीज। यहाँ पर जो पोइट है वो कह रहे हैं गले लग जाइए, अपनी अपनी वारी लेकर पेड़ से चिपक जाइए। आफ्टर इट आप क्या करेंगे, अपनी विश रखिए, मतलब पेड़ जो ट्री है जिससे आप हग हो रहे हैं उससे अपनी विश रखिए और उससे मांगिए, विश रखिए कि आपका एक सपना है कि आप एक होली सी के क्या हो जाएं, बिल्कुल पार जाएं। कंसीडर टू बी होली सी, स्केट किसको बोलेंगे, एक पवित्र समुद्र को बोलेंगे, उसके पार जाने की आपकी इच्छा है तो वो आपकी विश भी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। रिलीज इट नाउ जस्ट लाइक अ बिग बैलून, और इस विश को अपने को ऐसे छोड़ दीजिए जैसे हवा में एक बैलून को छोड़ दिया जाता है। अ प्रेयर टू रीच द माउंटेन्स ऑफ द मून, प्रार्थना कीजिए कि आप माउंटेन से होकर कहाँ तक पहुँचें, चंद्रमा तक पहुँचें। टू सिटीजन्स ऑफ अर्थ अलास वी से, और ऐसा मतलब कह रहे हैं कि जो नागरिक हैं पृथ्वी पर रहने वाले हैं वो सभी ऊंचाई के लिए आगे जाएं। ऊंचाई के लिए मीन्स क्या, मतलब चढ़ने के लिए नहीं, ऊंचाई सक्सेस अचीव करने के लिए ऊपर बढ़ें, मतलब आगे बढ़ें। गो फाइंड योर सेल्फ अ ट्री टू हग टुडे, और जाओ फॉर मतलब आज जाओ और क्या करो, अपने लिए एक पेड़ को ढूंढो और उससे हग हो जाओ, मतलब उस पेड़ की सुरक्षा आप अपने हाथों में ले लीजिए, मतलब आप ये प्रॉमिस कीजिए उस पेड़ से कि मैं तुम्हें कटने नहीं दूंगा, मतलब अगर आप एक एक पेड़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो जितने सारे बच्चे हैं अपने सोसाइटी में, अपने एनवायरमेंट में, तो हम सभी पेड़ों को जीवन क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। एंड इफ अ ग्राउन अप सेज डोंट बी अ फूल, और यदि हमारे जो बड़े हैं वो हमसे कहते हैं कि मूर्ख मत बनो, पागल मत बनो, और इज दैट वॉट दे आर टीचिंग यू इन स्कूल, और वो आपसे कहते हैं कि आपके स्कूल में यही सिखाया जाता है, जस्ट फाइंड दिस पोइम एंड रीड दिस सिंपल राइम, तो फिर आप क्या करेंगे बेटा कि आप इस पोइम को फाइंड आउट करेंगे और राइम मतलब पढ़कर, बहुत ही राइमिकली इसको पढ़कर आप अपने पेरेंट्स को या अपने ग्रोन अप को, जो आपके बड़े हैं जो आपको रोक रहे हैं ऐसा करने से, उनको सुनाएंगे। इट इज कूल टू हग अ ट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम, और आप समय समय पर एक पेड़ से क्या होते रहिए, हग होते रहिए, उससे मिलते रहिए। चिल्ड्रन दिस इज हाउ द वर्ल्ड कैन बी, मेकिंग अर्थ प्लान ए एंड नॉट प्लान बी, अब यहाँ पर बच्चों से बोला जा रहा है कि बच्चों हमें इस संसार को कैसे चेंज करना है, हम इस संसार को कैसे बदल सकते हैं। मेकिंग अर्थ प्लान ए, हमें क्या करना है, ए नंबर का जो प्लान है उसको बनाना है, उसको एक्सेप्ट करना है। ए नंबर प्लान में क्या है कि हमें पेड़ों की रक्षा करनी है, उन्हें कंजर्व करना है और पेड़ों को कटने नहीं देना है, और बी नंबर का प्लान है कि हमें उनकी सुरक्षा से या उनके कंजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब हम ए नंबर के यहाँ पर जो पॉइंट है कि हम अर्थ की सेविंग के लिए, पेड़ों की सेविंग के लिए प्लान करें, ना कि उनके
कटने के लिए, वियर चेंज, शेयर चेंज, सिंग चेंज, ब्रिंग चेंज। वियर मीन्स होता है बेटा पहनना, पहनना। यहाँ जो पोएम है यहाँ पर ये पहनना अर्थ नहीं लगेगा इसका, यहाँ मीन्स है बेटा इसका। वियर मीन्स स्वीकार कीजिए, मतलब इस चेंज को आपको वर्ल्ड में लाना है, इस दुनिया में ये चेंज लाना है कि पेड़ों को हर कंडीशन पर हमें बचाना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसको वियर करना पड़ेगा, मीन्स अपने आप में धारण करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलवेज, मतलब वी एक्सेप्ट दिस प्लान, सबसे पहले हम इस प्लान को अपने अंदर धारण करेंगे कि हमें पेड़ों को बचाना है। हम अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि पेड़ों को कटने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए पेड़ों को बचाएंगे। सीयर चेंज, अब आपने जब एक्सेप्ट कर लिया, आपने जब अपने आप से वादा कर लिया कि मुझे पेड़ बचाना है, आपने एक पेड़ से प्रॉमिस किया कि मुझे आपको बचाना है, तो इस प्रॉमिस को शेयर कीजिए किससे, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली और जितने भी आपके परिचित हैं उनसे शेयर कीजिए कि आप भी एक एक की जिम्मेदारी लीजिए। आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी वन जो ट्री है उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, उसका प्रोटेक्शन करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो वियर चेंज, शेयर चेंज, पहले उस चेंज को अपने आप में एक्सेप्ट कीजिए, फिर उसको शेयर कीजिए। सिंग चेंज, फिर उसको गाइए, से मतलब है उसको करिए, करना शुरू कर दीजिए। ब्रिंग चेंज, और चेंज लाकर दिखाइए, मींस है कि पहले हमें एक्सेप्ट करना है, फिर उसको हमें कन्वे करना है, सबसे शेयर करना है, फिर करना है, और फिर करके दिखाना भी है, मींस हमें बदलाव अपनी सोसाइटी में लाना है, पेड़ों को बचाना है। एंड स्टार्ट बाई हगिंग अ ट्री, और हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेड़ों से जाकर हग करना पड़ेगा, मीन्स पेड़ से जाकर मिलना पड़ेगा, उसको गले लगाना पड़ेगा। योर पोइम इज कम्प्लीट पीटर। इन दिस पोइम वी लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, किस तरीके से हम पेड़ों को बचा सकते हैं और पेड़ हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पर पोइट ने हमें बताया कि हमें हर बच्चे को, हमारे एवरी चाइल्ड हैज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द ट्रीज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज। हर बच्चे की ये ड्यूटी बनती है सोसाइटी में कि हमें पेड़ों को बचाना है, पेड़ों को कटने नहीं देना है। बेटा ये जो टोड माइकल सेंट पायरी हैं, ये क्या करते थे, ये पोइम्स लिखते थे, चिल्ड्रंस पिक्चर बुक, इन्होंने बहुत सारी बच्चों की पिक्चर बुक भी लिखी हैं, और ये बच्चों के लिए ही पोइम्स को लिखते थे। ये आल्सो कंट्रीब्यूट्स एज अ राइटर टू एलिमेंट एंड मिडिल स्कूल टेक्स्ट बुक्स पब्लिश बाई पियर्सन एजुकेशन। इन्होंने पियर्सन एजुकेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, उसके लिए भी बहुत सारी बच्चों से बिलोंग करते हुए टेक्स्ट बुक्स को लिखा है। नाउ इन दिस पोइम आई टॉट यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, एक्सप्लेन द पोएम लाइन बाई लाइन इन हिंदी एक्सप्लेनेशन, एंड नाउ आई टीच यू अबाउट द वार्म अप। द बेस्ट वे टू फाइट क्लाइमेट चेंज इज टू प्लांट ट्री। मतलब यहाँ पर जो पोएट है वो हमें बता रहे हैं, आइडियाज दे रहे हैं कि किस तरीके से हम पेड़ों को बचा सकते हैं, क्लाइमेट में जो चेंजिंग आ रही है उसको हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। द बेस्ट वे टू फाइट क्लाइमेट, सबसे अच्छा तरीका है क्लाइमेट से फेस करने का चेंज इज टू प्लांट ट्रीज, के हम क्या करें, अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग्स में पेड़ों को लगाना शुरू कर दें, हम पेड़ लगाना शुरू करें। डू यू नो व्हाट ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स आर, क्या आप जानते हैं कि पेड़ लगाना क्या होता है, वृक्षारोपण क्या होता है। ट्री प्लांटेशन बोलते हैं बेटा वृक्षारोपण को, मतलब वहाँ पर छोटे छोटे सैंपल होते हैं पेड़ों के, ट्रीज़ के, और उनको लगाया जाता है। हैव यू एवर बीन अ पार्ट ऑफ वन, क्या कभी आप इसका हिस्सा बने हैं, इफ़ नॉट व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट देम डिस्कस। अगर नहीं बने तो भी आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में, यहाँ पर आपको पोइट के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है। तो इस पोइम को आप अच्छे से बेटा आपने समझ लिया है, और आपका जो ये सेंट्रल आइडिया मैंने आपको बता दिया है, तो अब आपको भी अपने आप से एक प्रॉमिस करना है, जब आपने पोइम को अच्छे से रीड आउट कर लिया है, कि आपको भी एक पेड़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है
और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक प्रॉमिस तो अपने आप से कर सकते हैं कि आप अपने सराउंडिंग में ट्री प्लांटेशन के अकॉर्डिंग एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे, छोटा सा सैंपल लेकर आएंगे और उसके अपने सराउंडिंग में लगा देंगे। और उसका लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएंगे कि आपने एक पेड़ लगा दिया बस हो गया आपका काम, नहीं, फिर आपको उसका पूरी तरीके से प्रोटेक्शन करना है, उसको टाइम टू टाइम वाटर भी देना है और उसकी केयर करनी है कि कहीं उसको जानवर खा ना लें। छोटा होता है ना, फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर तो वो अपने आप से अपना प्रोटेक्शन कर सकता है। तो आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप एक सैंपल अपने सराउंडिंग में, जो ट्री जो प्लांट का सैंपल होता है ना, छोटा पौधा, उसे छोटा पौधा बोलते हैं, तो उसको लगाएंगे और इस तरीके से अपनी क्लाइमेट को सेव करेंगे और अपने रिसोर्सेज को बचाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे बेटा, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।